हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी गुलशन खातून फ्रॉम इजी स्टडी बाइगुल प्लेटफॉर्म। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक, और इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक। ठीक है, आपके इस एक्सरसाइज में बस 14 तक ही आपका सिलेबस में है, ये सारी क्वेश्चन आपको नहीं करनी है। ठीक है, आपके सिलेबस से हटा दिया गया, और हम ऑप्शनल एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, ऑप्शनल एक्सरसाइज का आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि कितना टर्म ऑफ एपी ऐड होगा ताकि हमें कितना मिल जाए रिजल्ट, 636। मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, कितने टर्म्स को हम मिलाएंगे ताकि हमें इतना मिल जाए 636। तो बेसिकली हमें एन निकालने, और इस ए पी से हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, और हमें सम दिया गया है और हमें निकाल लेनी है एन। तो चलिए इसको करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास, 9, और डिफरेंस हमें क्या दिया गया है, 17 - 9 इक्वल टू सम कितना गिवन है, 636। हमें निकालना क्या है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन कैसा होगा देखिए, एस इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d। इस फॉर्मूला का हम यूज़ करके एन निकालेंगे। तो समीशन हमारे पास कितना है, 636 इक्वल टू, वैल्यू को पुट अप करेंगे इस फॉर्मूला में हम, 2 × 9 प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस कितना गिवन है, 8, 2 × 9 = 18 प्लस, देखो 8 इसको ओपन कर लेते हैं हम, 8n प्लस माइनस माइनस 8 × 1 = 8। देन 18 से माइनस 8 करेंगे हम, ठीक है, तो 10 हो जाएगा, 10 + 8n। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको ओपन करेंगे, इससे इसको ओपन करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n बाई 2 × 10 प्लस, फिर ये इससे इंटू होगा, n बाई 2 × 8n, 2 × 2 = 5 = 10, 2 × 2 = 4 = 8। तो हमें कैलकुलेशन क्या मिलेगी, 36 इक्वल टू 5 × n 5n प्लस 4n × n n² तो 4n² हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको हम रीअरेंज कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इससे हमें देखो कुछ कॉमन तो जा नहीं रहा है, ये आपका 4 है, ये 5 है, तो कोई किसी से कॉमन नहीं है, तो हम इसको और सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसका मिडिल स्प्लिट करेंगे, जो मेथड है हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो इसका देखो आपको 636 को इंटू 4 कीजिए, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, 4 × 636 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2544 मिलेगा। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, इनका फैक्टर निकालना है, तो इनका फैक्टर निकालेंगे हम वही मेथड से करेंगे, 4 से तो आपको ये मिल ही गया, 2 से आपको चेक करना है। इस तरह करके देखो इसका बहुत लंबा जाएगा, तो मैं आपको तो मैंने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में ये बात समझा दी है कैसे हम मिडिल स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो आपको एट द एंड एक फैक्टर है इसका, 48 × 53। ठीक है, इनको अगर हम करते हैं इंटू, तो हमें तब भी क्या मिलता है, 2544 मिलता है। क्लियर है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें 5 चाहिए ना, और माइनस है, तो माइनस करके हमें 5 मिलना है। तो देखो 53 - 48 कीजिए, आपको कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम वैल्यू को पुट करते हैं, 4n² प्लस 53 - 48, ब्रैकेट में लेते हैं, एन बाहर आ जाएगा, -636 इक्वल टू 0। देन प्लस का प्लस ये ओपन हो जाएगा, 53 × n 53n माइनस 48 × n 48n -636 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे,
कॉमन निकालेंगे, ठीक है। बट देखो 4 और 53 में कुछ कॉमन नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें रीअरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं, 4n² - 40nn, ये प्लस इधर चले जाएगा 53n, ठीक है, -6 36 = ऐसा मैंने इसलिए किया इन दोनों में रीअरेंज्ड, ताकि मेरा इन दोनों में कॉमन आ जाए। अब देखो इसमें आपको कॉमन मिल जाएगा और इसमें भी आपको कॉमन मिल जाएंगे। अब हम कॉमन ले लेते हैं 4, और दोनों में एक एन तो मिनिमम है, तो यहाँ अंदर बच जाएगा एन, क्योंकि 4 बाहर आ चुका है। 4 कितना जेड 48, 12 जेड, इज इट क्लियर। अब देखो 53 यहाँ कॉमन क्या आएगा, 53 से ये डिविजिबल है, तो यस ये डिविजिबल है, 53 12 जेड 636 आता है। अब देख लीजिए 53 12 जेड, आप करिए इसको प्रोडक्ट, आपको 636 मिल जाएगा। तो 53 हम कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा एन, क्योंकि एक एन इसके पास नहीं, इसलिए एन कॉमन बाहर नहीं आएगी। और प्लस देखो प्लस माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। 53 कितना आ जाए, तो 53 12 जा, आपको बताया था ना मैंने, ये ब्रैकेट वाली दोनों भी सेम होंगी, ठीक है। तो अन ब्रैकेट वाले को हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, 4n + 53 ये आपका एक ब्रैकेट, और जो ब्रैकेट वाले कॉमन चीज़ आए उसमें से भी हम एक कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से हम दोनों से n की वैल्यू निकाल लेंगे, देयरफॉर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4n + 53 = 0, एंड देन 4n = -53, n = -53/4। तो ये तो आगे कैंसिल नहीं हो गई, तो ऐसी वाली वैल्यू n के फ्रैक्शन में आ जाए जो रिड्यूस होके ना आ जाए, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसी दोनों कंडीशन n की वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, तो हम इससे निकाल लेंगे, देखो n - 12 = 0, तो n = +12 आ जाएगा। तो ये आपकी पोजीशन आ गई, कितने टर्म का सम हमारे पास मिल जाएगा, 12 टर्म के सम हमें मिलेगा 636। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 5। देखो एक ए पी है, उसका फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है। द लास्ट टर्म इज़ 45, एंड द लास्ट टर्म भी हमें गिवन है 45, एंड द सम इज़ 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, तो आपको वो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं क्या है, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, क्लियर है। समझ आ गई होंगी कि फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है हमारे पास, और सम ऑफ एन टर्म दे दिया गया है 400। तो हमें इसमें क्या निकालना है, एन निकालनी है, हमें एन निकालनी है। तो हम कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करेंगे इसमें, सम इज इक्वल टू एन बाई टू, देखो हमारे पास ए और लास्ट टर्म है ना, तो ए प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो सम गिवन है कितना हमारे पास, 400 इक्वल टू एन हमें निकालनी है, फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है और हमारे पास लास्ट टर्म भी है। 400 को हम एज इट इज़ रखते हैं, एन बाई टू, 45 + 5 = 550, और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। तो 400 = 25n, n की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो ये 25 = n, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 0, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 6 = 30। तो n की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 16, सो n = 16, ठीक है। अब n हमें मिल गई, अब हमें क्या निकालना था, डिफरेंस निकालना था, तो हमें पता चल गया कितने टर्म का सम है, 16 टर्म का है। तो s = n/2, क्योंकि हमें d निकालने हैं, तो हम बड़ी वाली फॉर्मूला लेंगे, 2a + n - 1d, ठीक है। सम ऑफ 16 टर्म का हमें पास ऑलरेडी गिवन है, n भी हमें मिल गई, 2 × a + n 16 - 1 × डिफरेंस हमें निकाल दें, 2 × 2 = 16, 400 = 8, 2 × 5 = 10, + 16 - 1 = 15d, 400 / 8 इधर बच जाएगा आपका 10 + 15d, ठीक है। तो आपको पता है कैंसिल हो जाएगा, 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40, तो ये हमें मिल गया 50 = 10 + 15d, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 15d, 50 - 10 = 40 =
ये 15 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 5 3 15, 5 8 40, इज इक्वल टू 8/3, ये हमारा डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द ए पी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड वॉट इज देयर सम। जिस इस क्वेश्चन के उल्टा है, देखो यहाँ पे हमें सेम दिया गया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे दिया गया है ए पी एस का, ठीक है, और उसका कॉमन डिफरेंस इस बार हमें दिया गया, हमें पता नहीं है कि कितने टर्म्स है इसमें और उसके सम क्या होंगे उस टोटल टर्म के, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, ए है डी है राइट, हमें एन निकालनी है, तो हम क्या करते हैं एन एट टर्म का फॉर्मूला ले लेते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। देखिए आपको ये समझने पड़ेंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूला का रिक्वायर्ड है, ठीक है, लाइक आप एक बार में आपको ये फिक्स नहीं है कि आप एक ही फॉर्मूला से करोगे, नो, ठीक है ना, आपको रिक्वायर के अकॉर्डिंग कि हमें निकालने के और कौन से फॉर्मूला यूज़ हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लेने पड़ेंगे। चलो तो देखो एन एथ टर्म तो हमारे पास गिवन था ना, एन एथ टर्म क्या था, लास्ट टर्म को कहा जाता है ना एन एथ टर्म, तो ये हमारा गिवन है ना 350 प्लस फर्स्ट टर्म भी गिवन है प्लस एन हमें निकालनी है और डिफरेंस हमारे पास है 9 है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे 350 माइनस 17 इक्वल टू एन माइनस 1 और ये 9, 350 माइनस 17 333 हो जाएगा, देन एन माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो 3 3 9, 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3, 3 3 9, 3 7 21, ठीक है। तो 37 इक्वल टू एन माइनस 1 हो गया और 37 प्लस 1 इक्वल टू एन, सो 38, तो एन हमें क्या मिले 38 मिल गए, इतना टर्म हमें मिला उसके सम निकालना हमें, राइट। तो सिंपली हम फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे, कौन से वाले लॉन्ग वाले फॉर्मूला का, एस 38 इक्वल टू एन बाई 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू कितनी मिली हमें 38/2, 2 × 17 प्लस एन की वैल्यू क्या होगा 38 − 1 और डिफरेंस है 9, ठीक है। तो 2 × 2 2 × 2 2 8 9 18 19, 2 17 हो जाएगा 38 − 1 37 और 37 × 9 333 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे 19 × 34 प्लस दिस 367, देन इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे हम तो हमें मिल जाएगा 6973। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी इन विच डिफरेंस इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। देखो हमें क्या बोला है कि हमें सम निकालने हैं फर्स्ट 22 टर्म का, जो एपीज होगा ना उसके फर्स्ट 22 टर्म का हमें सम निकालने हैं, और हमारे पास गिवन है कि डिफरेंस उस एपी का 7 है और उस एपीज में से 22nd टर्म का वैल्यू हमें गिवन है 149, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपको समझ आ गया होगा, हम इसी वैल्यू से इक्वेशन बनाएंगे, डिफरेंस को यहाँ डालेंगे, हमें इसमें से क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएंगे, ठीक है। और जब ए मिल जाएगा तो हम सम भी निकाल लेंगे 22 टर्म्स का। सो पहले गिवन लिख लेते हैं क्या क्या है, डिफरेंस हमारे पास गिवन था 7, ठीक है, और आपके पास 22nd टर्म कितना था, ए 22 गिवन है हमारे पास 149, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं है तो हम फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, ठीक है, एन एथ वाले फॉर्मूला का यूज़ करके ए 22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 22 − 1 21 डी हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, ए 22 इज इक्वल टू 149, ए की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे 21 एंड डिफरेंस हमारा 7 है, ठीक है। तो 149 इज इक्वल टू ए प्लस 21 × 7 आपका वैल्यू आ जाएगा 147, सो 149 माइनस हो जाएगा ये इधर आएगा तो 147 इक्वल टू ए, एंड 149 से क्लियरली आपको दिख रहा है 9 − 7 2 मिल जाएगा आपको ए की वैल्यू, ठीक है। तो ए मिल गई ना, अब हमें क्या निकालना था, सम ऑफ 22 टर्म, सो ए 22 इज इक्वल टू एन बाई 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, 22/2
टू इंटू ए हमें मिल गई है 2 प्लस एन कितना है 22 माइनस 1 और डिफरेंस हमारे पास 7 है. 2 1 2 2 11 2 22 सो इट्स 11 4 प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू 7 विल बी 147. ओके सो 11 इंटू 147 प्लस 4 यूल इट विल बी 151 एंड यूल गेट व्हाट 1661. क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर रेस्पेक्टिवली. ओके आई होप अब आप क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे और उसके पैटर्न को भी समझ रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं. ठीक है तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें फिर वही सम निकालने के लिए बोला गया है एपीज का. कितने टर्म का? 51 टर्म का. फर्स्ट 51 टर्म का जिसका हमें दे दिया गया है कि सेकेंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म 18 है रेस्पेक्टिवली. तो सेकेंड रेस्पेक्टिवली कहने का मतलब सेकेंड टर्म 14 हो जाएगा और जो नेक्स्ट है उसका लास्ट वाला हो जाएगा. ठीक है सो अब हम क्या करेंगे, आपको पता चल गया होगा क्लियरली कि हम इन दोनों इक्वेशन से सेकेंड टर्म और जो थर्ड टर्म गिवन है इससे हमारा इक्वेशन बनेगा. ठीक है देन हम लास्ट में सम निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास डिफरेंस भी नहीं है, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी नहीं है. 51 टर्म का निकालना है तो n की वैल्यू है 51. ओके बट देखो हमारे पास कुछ नहीं है ना, डिफरेंस नहीं है हमारे पास, फर्स्ट टर्म भी नहीं है हमारे पास. हमारे पास गिवन क्या क्या है, सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल टू कितना गिवन था 14 और a3 इज इक्वल टू कितना था 18 था. तो हम इन दोनों में से इक्वेशन बना लेंगे. सो a प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं. d इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा आपका a प्लस 3 माइनस 1 2 d इक्वल टू 18. ठीक है अब ये आपका इक्वेशन 1 कह लो और इसको आप इक्वेशन 2 कह लो एंड देन दोनों को हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. सॉल्विंग 1 एंड 2 तो दोनों इक्वेशन को हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, a प्लस d इक्वल टू 14 और a प्लस 2d इक्वल टू 18. ठीक है साइन चेंज कर लेंगे हम तो ये कैंसिल हो जाएगा राइट. प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस सो 2 माइनस 1 डी माइनस डी हो जाएगा बिकॉज ये बड़ा हो गया और ये 18 माइनस 14 आपका 4 हो जाएगा. माइनस तो माइनस माइनस कैंसिल सो हमें डिफरेंस कितने मिल गई, 4 मिल गई. ठीक है अब देखो डिफरेंस मिल गया ना, अब हम क्या करेंगे इसी से हम फर्स्ट टर्म भी निकाल लेंगे. इसको कहाँ पुट कर देंगे, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. ठीक है पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, वैल्यू ऑफ डी हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे. इस इक्वेशन से हमें ए मिल जाएगा, ए प्लस 4 इक्वल टू 14 सो ए इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू 10. तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 10 मिल गई. अब हम निकालेंगे सम ऑफ 51 टर्म n by 2 2a plus n minus 1 d. So 51 by 2 2 10s are 20 plus 51 minus 1 50. 50 into 4 हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा. ठीक है अब हम दोनों को ओपन कर लेंगे तो 51 by 2 into 20 plus 51 by 2 into 200. 200 2 2 5 2 10s are 20 200 2 200 200. इसको कैलकुलेट करेंगे तो 510 प्लस 1100 एंड इन दोनों को जब हम सम करेंगे यू विल गेट हाउ मच, 5610. 9. इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन ए पी इज 49 एंड दैट ऑफ द 17 टर्म इज 289 फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म. देखो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म मतलब कोई भी APs होगी उसके जो पहले फर्स्ट टर्म से लेके 7 टर्म, फर्स्ट टर्म से लेके 7 टर्म तक जो भी नंबर है उनको मिला के प्लस करके हमें टोटल कितना मिला है, 49 मिला है. ठीक है एंड दैट ऑफ 17 टर्म और जब फर्स्ट टर्म से लेके 17 टर्म तक का सम करते हैं टोटल करते हैं तो कितना मिलता है, 289 मिल रहा है. तो आपको कितने के निकालने बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म. तो nth टर्म का सम क्या होगा ये आपको पता करना है. हमारे पास है सम ऑफ 7 टर्म का सम है 49, उसके बाद दूसरा कंडीशन है हमारे पास सम ऑफ 17 टर्म का सम है हमारे पास 289,
ठीक है, तो हम एंड में nth टर्म में जाएंगे, पहले हम इसी से दोनों से इक्वेशंस बना लेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ सेवन टर्म इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो आपका सेवन टर्म है तो सेवन बाई टू, टू इंटू ए तो हमारे पास है नहीं, प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू सेवन माइनस वन और डिफरेंस भी हमारे पास नहीं है। सो ये बन जाएगा आपका कैलकुलेशन करके सेवन बाई टू 2a प्लस सेवन माइनस वन 6d। ठीक है, इसको हम और ओपन कर लेते हैं, तो सेवन बाई टू इंटू 2a प्लस सेवन बाई टू इंटू 6d, टू टू कैंसिल हो जाएगा, टू थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो ये मॉडिफाई होके हमें मिल जाएगा 7a प्लस 7 21d। ये हमारा इक्वेशन वन हो जाएगा। एंड सिमिलर वे में हम S17 से भी इक्वेशन बना लेंगे। सो S17 इज इक्वल टू 17 बाई टू 2a प्लस 17 माइनस वन दैट इज 16d हो जाएगा हमारा। ठीक है, ओपन कर लेंगे इसको हम 17 बाई टू इंटू 2a प्लस 17 बाई टू इंटू 16d। 2 1 2 2 8 जो 16, 2 1 2 2 1 2 तो विल गेट व्हाट 17a प्लस, सो ये आ जाएगा हमारा 136d। ठीक है, S17 हमारे पास कितना था 289, राइट। अगर कुछ कॉमन निकलेगा तो हम इनसे कॉमन निकाल लेंगे, इसको भी हम सिंप्लीफाइड करेंगे। ये सब 7 से कॉमन जा रहा है ना, तो देखो 7 7 जो 49 हो जाएगा, और ये 7 1 जो 7 तो सिर्फ a बचेगा, और 7 3 जो 21 तो d। हम इसको नहीं वन पकड़ेंगे, इसको वन पकड़ लेंगे। ठीक है, ये हमारा सिंप्लीफाइड करके इक्वेशन आ गया 7 इक्वल टू a प्लस 3d, इक्वेशन वन। सिमिलरली हम इसमें अगर देखते हैं तो इसमें भी हमारा कुछ कॉमन निकल रहा है, सब 17 से जा रहा है ना। देखिए 17 17 जो 289 होता है, 17 1 जो 17 हो जाएगा, और 17 8 जो 136 होता है। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। सेकेंड इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 17 इक्वल टू a प्लस 8d। सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू, तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, एंड दूसरा इक्वेशन हमें क्या मिला था 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका a कैंसिल हो जाएगा, 17 माइनस 7 आपको मिल जाएगा -10, और 8 माइनस 3 -5d हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 10 बाई 5 इक्वल टू d, 5 1 जो 5, 5 2 जो 10, तो हमें डिफरेंस क्या मिल जाएंगे 2। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें d मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम a निकालेंगे। तो इस इक्वेशंस को हम कहाँ डालेंगे, इक्वेशन वन में डाल देंगे। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन वन, 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू 2, 7 माइनस 6 इक्वल टू a, सो 1 इज इक्वल टू a। तो हमारा फर्स्ट टर्म भी हमें मिल गया, ठीक है, और हमें डिफरेंस भी मिल गया। nth टर्म के सम निकालने थे, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन डी इस फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे। सम ऑफ nth टर्म हमें निकालना है, n की वैल्यू n ही रहेगी यहाँ पे, 2 इंटू a 1 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 2। देन कैलकुलेट करेंगे इसको हम 2 प्लस, देखो ये तो सॉल्व नहीं होगा, तो इसको आप ओपन कर लो, 2 इंटू 1 2n हो जाएगा, 2 इंटू n 2n हो जाएगा, -2 1 जो 2 हो जाएगा, इक्वल टू n बाई टू, 2 प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा, 2n मिल जाएगा। ठीक है, और इसको फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, n स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर है, मतलब सम ऑफ n टर्म क्या होगा, n स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट a1 a2 ...an फ्रॉम एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। देखो हमें इसको शो करना, प्रूव करना है आपको, ठीक है, a1 a2 ...an फॉर्म, ये क्या बनता है, ये मिलके ए पी बनता है, और हमें डिफाइन कर दिया गया ए एन क्या है, दो कंडीशन दी गई है डेफिनेशन ए एन की। पहली कंडीशन है ए एन इक्वल टू 3 प्लस 4 एन,
और दूसरी कंडीशन है ए एन इक्वल टू 9 माइनस 5 एन। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स में भी किए थे। यहाँ कंडीशन दे दी गई है ना, तो हम पहले अगर एन की वैल्यू, फर्स्ट टर्म हमारा ए वन होगा तो एन की जगह 1 डाल देंगे, इसको सॉल्व करके हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। देन हमें इसी तरह 2 डाल के सेकेंड टर्म भी मिल जाएगा इससे, एंड दो तीन टर्म निकाल लेंगे जिससे हमें डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस, एंड एंड में हमें दोनों केस की 15 टर्म का सम निकालना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। सो 10 का पहला जो कंडीशन दिया हुआ है हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ए एन इक्वल टू 3 प्लस 4 एन। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, लेट सपोज एन की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो ए वन क्या हो जाएगा, ए वन हो जाएगा आपका, यहाँ डाल दीजिए इस इक्वेशन में, 3 प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, तो 3 प्लस 4 इंटू 1 4 इक्वल टू 7। तो फर्स्ट टर्म हमें क्या मिल गई, 7। ओके, नेक्स्ट लेट सपोज एन इक्वल टू 2 है, तो ए टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 टू 8 हो जाएगा। ठीक है, और 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 11th हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म हमें क्या मिल गई, ए टू इक्वल टू 11। सिमिलरली लेट सपोज एन इक्वल टू 3 निकाल लेते हैं, तो ए थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 इंटू 3 कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 प्लस 3 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। सो ये हमारा 3 टर्म हमने निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो डी क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं ना, तो सेकेंड टर्म क्या है, 11 माइनस 7। हमें ये शो करना था ना क्वेश्चन में कि ये एपी बन रहे है कि नहीं बन रहे, तो हम एक और चेक कर लेते हैं डिफरेंस, ये थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करके देख लेते। थर्ड टर्म क्या है हमारा, 15। ठीक है, ए थ्री माइनस ए टू करेंगे तो ए थ्री क्या मिल रहा है हमें, 15 मिल रहा है ना, और 15 से माइनस 11 करेंगे 4 मिल जाएगा। तो हमने देखा यस डिफरेंस सबका सेम है, दे आर फोर ये क्या बन रहा है, इट इज़ एन ए पी। अब हमें क्या बोला गया था कि अगर दोनों के केस के सम ऑफ 15 टर्म निकालने थे ना, तो एस 15 इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो 15 बाई टू 2 इंटू a प्लस 15 माइनस 1, डिफरेंस 4 था। सो 15 बाई टू, टू सेवन जा 14 प्लस 14 इंटू 4 करेंगे, 15 माइनस 1 14, 14 इंटू 4 36। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 15 बाई टू 14 प्लस 56 70 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 5 जा 10, एंड देन 15 इंटू 35 करोगे तो कितना मिल जाएगा, 525 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में हमें कंडीशन क्या गिवन है, ए एन इक्वल टू 9 माइनस 5 एन। ठीक है, तो देखो ए एन वही हम करेंगे, एन 1 ले लेंगे। ठीक है, एन की वैल्यू 1 ले लेंगे, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाए, ए 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1। ठीक है, तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो ए वन इक्वल टू 4 मिल जाएगा हमें। सिमिलरली ए टू भी हम निकाल लेंगे इसी तरह, एन के वैल्यू जब 2 लेंगे तो ए टू क्या आ जाएगा, ए टू इक्वल टू 9 माइनस 5 टू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 माइनस 10 करेंगे तो -1 मिल जाएगा ए टू। ठीक है, एन थ्री इज इक्वल टू अगर होगा तो ए थ्री हमारा क्या आ जाएगा, देखो 5 3 जा 15, 9 माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 माइनस 15 माइनस 9 6 मिल जाएगा। सो हमें ए वन मिल गए, ए टू मिल गए और ए थ्री मिल गया। अब हमें चेक करना है ये एपीज है कि नहीं है, राइट। तो हम क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। सो डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या होता है, ए टू माइनस ए वन, 2 माइनस ए वन, तो ए टू क्या है, -1, और प्लस आपका ए टू माइनस ए वन क्या है, 4। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी तरह एक और चेक कर लेते, ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री क्या है, ए थ्री आपका क्या है, -6 से माइनस करेंगे -1 को,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस सिक्स प्लस वन, प्लस माइनस माइनस, सिक्स माइनस वन माइनस फाइव हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, डिफरेंस इसमें भी हमारा सेम आ रहा है। सो यस इट इज़ इन AP, देयरफॉर इट इज़ इन AP। मैं S15 निकालने थे, इसके लिए भी S15 इक्वल टू n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन डी। सो 15 बाई टू, 2 इंटू 4 प्लस 15 माइनस वन इज 5। सो 15 बाई टू, 2 4 8 प्लस 15 माइनस वन 14, 14 इंटू 5 माइनस 70। सो 15 बाई टू माइनस 70, 70 माइनस 8 माइनस 62, 202, 2 3 6, 202। सो 15 माइनस इंटू माइनस 31, इसको इंटू करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, माइनस 465। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन एथ टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस एन स्क्वायर, वट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1, एंड वट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, ठीक है, देन वट इज द सेकेंड टर्म, एंड सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेंथ एंड द एन एथ टर्म। सो हमें पहले क्या निकालने हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन एथ टर्म ऑफ AP का कंडीशन दे दिया गया, AP का इक्वेशन क्या है, 4n माइनस एन स्क्वायर दे दिया गया। हमसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या है उस AP का, और जो फर्स्ट टर्म होगा वही S1 भी होगा, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे दे दिया गया, जो आपका फर्स्ट टर्म होगा वही क्या होगा, S1 होगा। फिर हमें बताना है कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का सम निकालना है हमें, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म हमें निकाल के दिखाना है इनको। कि इस क्वेश्चन नंबर 11 में एक फॉर्मूला मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ जिसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है, दैट इज़ AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस वन। ये फॉर्मूला का मतलब क्या है, nth टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ nth टर्म माइनस सम ऑफ nth टर्म माइनस वन। कहने का मतलब, मान लो ये अगर 7 है ना, तो ये क्या है, देखो अगर ये 7 वाली टर्म है तो एक कम कर दो, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो, ठीक है, इस क्वेश्चंस के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। हाँ, और आपको अगर फर्स्ट टर्म निकालना हो ना, तो फर्स्ट टर्म आपको बोल दिया गया क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होता है, S1 के इक्वल होता है, ठीक है, और सेकेंड टर्म किसके इक्वल होता है, अगर सेकेंड टर्म निकालना है तो A1 प्लस A2 होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कहाँ कैसे यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को, आप बच्चों ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास पहला टर्म हमें निकालने को कहा गया ना, फर्स्ट टर्म, एंड फर्स्ट टर्म मतलब क्या है, ए निकालना है हमें, ठीक है, A1 ले लीजिए, ए पकड़ लीजिए, तो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, S1 हो जाएगा, वी नो दैट, राइट, हमें कंडीशन बोल दिया गया ना, A1 इक्वल टू S1 होता है, ये आपको याद कर लीजिए इस पॉइंट को, कि A1 किसके इक्वल होता है, S1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास nth टर्म AP क्वेश्चंस में क्या गिवन था, कंडीशन 4n माइनस n स्क्वायर, यही था ना आपके पास क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, वन टर्म है तो n की जगह हम क्या डालेंगे, वन डाल देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 1 माइनस वन होल स्क्वायर। तो देखो, 4 × 1 = 4 माइनस 1 × 1 = 1, 4 − 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इससे हमें A1 भी मिल गए, S1 भी मिल गए, ओके। तो हमें पहला पार्ट हमारा हो गया, हमें बहुत सारे पार्ट इस क्वेश्चन में गिवन है, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, यही हमारा A1 भी है, यही हमारा S1 भी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो फर्स्ट टू टर्म निकालने के लिए A1 तो हमारे पास है, A2 तो हमारे पास नहीं है ना, ठीक है। तो हम देखिए इसी फॉर्मूला का यूज़ करके A2 भी निकालेंगे, ये AN इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1, हाँ, तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए A2 इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला का अगर हम यूज़ करते हैं तो SN माइनस S माइनस 1 ना, तो अभी बात को अच्छे से ध्यान से समझो बच्चों, देखो ये सेकेंड टर्म है तो N की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, माइनस अब यहाँ 2 डालिए तो 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है, मतलब ये S1 हो जाएगा, राइट।
अब देखो, तो इस एस टू में निकालने, एस वन तो हमारे पास है बट एस टू नहीं है ना हमारे पास, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एस टू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम इधर साइड में निकाल लेते हैं, एस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का निकाल रहे हैं ना, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या हो जाएगा, उसी कंडीशन में हम डाल देंगे 4n-n². ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में ही गिवन है, तो 4 × 2 − 2² ठीक है, 4 × 2 = 8 − 2 = 4, तो 2 8 − 4 क्या आ जाएगा, 4, तो हमें एस टू फर्स्ट टू टर्म का सम कितना मिल गया हमें, एस टू इक्वल टू 4 मिल गया हमें। ठीक है, अब इसको हम यहाँ डाल देंगे, एस टू की वैल्यू हमें 4 मिली, और एस वन हमने अभी निकाला था, एस वन कितना था, 3 था, तो इसको हम यहाँ डाल देंगे, तो हमें 4 − 3 = 1, तो हमें A2 मिल गया। ओके क्लियर, तो देखो क्वेश्चन में हमें बोला गया था, ये भी हो गया, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म हमने निकाल लिया, देन व्हाट इज सेकेंड टर्म, अभी हमने निकाला A2, अब हमें इसी पैटर्न में सिमिलरली हमें थर्ड टर्म भी निकाल लेनी है, टेंथ टर्म भी निकाल लेनी है, और nth टर्म भी निकालनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम थर्ड टर्म निकालते हैं। अब देखिए A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में अगर हम जाते हैं तो A3 क्या हो जाएगा, आप खुद समझ सकते हो, A2 निकालने के लिए हमने किया S2 − S1, तो A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S3 − S2 करेंगे ना, राइट। बट हमें देखो, हमारे पास तो सम ऑफ टू टर्म का दे दिया गया, बट हमें सम ऑफ थ्री टर्म नहीं दिया गया ना, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, सम ऑफ थ्री टर्म, उसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, 4n − n², तो 4 × 3 कितना, n की वैल्यू 3 डाल दीजिए, −3² कर दीजिए, 4 × 3 = 12, −3 = 9, 12 − 9 = 3। सो अब हमारे पास S3 भी मिल गया, और S2 भी हमने ऊपर निकाल लिया था, तो यहाँ डाल देंगे हम, S3 हमारे पास मिला 3 − S2 हमें कितना मिला, 4, तो प्लस माइनस कीजिए, 4 − 3 − 1 हो जाए, तो हमें थर्ड टर्म भी मिल गया। क्लियर, अब हमें देखो बहुत सिंपल है, आप पैटर्न समझ गया ना, तो आप खुद ही कर लोगे। अब हमें क्या निकालने को कहा गया, अब हमें टेंथ टर्म निकालने को कहा गया ना, तो देखो आप बताओ A10 क्या हो जाएगा, सम ऑफ 10 − सम ऑफ 9 करेंगे हम, तो S10 से माइनस कर देंगे S9 को। क्लियर, अब देखो इसके लिए तो हमें S10 भी नहीं निकाला हमने, S9 भी नहीं निकाला ना, तो हमें पहले S10 निकालने होंगे, फिर S9 भी निकालने, देन हम उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे कर लेते हैं, S10 इज इक्वल टू 4 × 10 − 10², तो 4 × 10 = 40, 10² = 100, 100 − 40 − 60 आ जाएगा आपका। ओके सिमिलरली S9 हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो 4 × 9 − 9². आप ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, ये फॉर्मूला हमारे क्वेश्चन में ही गिवन है। हाँ, तो 4 9 = 36 − 9 9 = 81, 81 − 36 = 45 − 45 हो जाएगा। तो S9 हमें यहाँ मिल गया, और हमें यहाँ पे S10 भी मिल गया, तो हम इस दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, S10 की वैल्यू हमें मिली −60, माइनस का माइनस, और S9 की वैल्यू भी हमें मिली −45, सो −60 माइनस माइनस प्लस 45, प्लस माइनस माइनस 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा, −15 हो जाएगा, तो हमें A10 भी मिल गई ना। ठीक है, 18 हमारा क्या हो जाएगा, −15। आई होप आप समझ रहे हो हम किस पैटर्न में करें, बहुत ही सिंपल में हम मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ समझाने की। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन लेंदी ही है, क्योंकि क्वेश्चन में ही पार्ट बहुत सारे गिवन है, इसलिए ये क्वेश्चन लेंदी है, बट आप कॉन्सेप्ट समझते जाना, मैं एक ही चीज़ का यूज़ कर रही हूँ हर क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, nth टर्म निकालना है, 10 का बोला तो हमने S10 − S9 किया, अगर 12 का बोलेगा तो S12 − S11 करेंगे। सिमिलरली अगर हमें nth टर्म बोला गया है तो आप क्या करोगे, बात को समझना, यहाँ पे मैं देखो साइड में समझा रही हूँ, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें तो nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म निकालने के लिए हम एक पीछे का सम से माइनस कर रहे हैं ना, तो Sn है ये, तो −Sn − 1 होगा कि नहीं होगा, ये हमने जो फॉर्मूला ऊपर में किया था इसी फॉर्मूला में हम चले जाएंगे। चलो तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, तो हमें जो निकालना है उसके लिए हम पहले Sn निकाल लेंगे। ठीक है, Sn − 1 = फॉर्मूला क्या था हमारा, किसी भी
सम निकालने के लिए 4n-1, ये क्वेश्चन में ही आपका गिवन है। हाँ, तो 4 into, अब देखो n की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे n-1 है तो वही डाल दीजिए, n-1, ठीक है। माइनस यहाँ पे n होल स्क्वायर है, तो n की वैल्यू में पहले आप पुट कीजिए n-1 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे, 4 into n, 4n-4 ones are 4, ये देखो ये फॉर्मूला में चला जाएगा, a-b होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab, 2ab, बी तो 1 ही है, 1 से इंटू होगा तो 2n ही आएगा, प्लस b² तो 1 की स्क्वायर क्या होती है, 1 हो जाएगी, क्लियर। चलो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, 4n-4 ± ± n², ठीक है, -2n, ओके, -± कितना, 1, क्लियर। ब्रैकेट हमने खोला तो साइन सबका इंटू हो गया। हाँ चलो अब देखते हैं, अब हम लाइक टर्म ढूंढते हैं, 4n लाइक टर्म ये है ना, n वाला, सिर्फ n वाला देख लो आप। हाँ तो 4n और इसके आगे साइन क्या है, प्लस है, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6n, ठीक है। अब देखो नंबर वाले लाइक टर्म हो जाएंगे यहाँ पे, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा, -5, और ये n स्क्वायर तो सिंगल है n स्क्वायर, तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रख सकते हैं, ओके। तो ये हमारा Sn-1 आ गया। अब हमें nth टर्म निकालना था ना, तो हम कौन सा क्या करेंगे आगे, देखो an = Sn-1, तो Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4n-n² यही होगी ना, देखो Sn = यही था ना हमारा, ओके। तो इसी को डालेंगे हम Sn में, तो Sn की जगह आ जाएगी 4n-n² माइनस, और इसकी पूरी की वैल्यू क्या मिली हमें, ये मिली ना, तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, 6n-5 - n². अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम इधर ही कर लेते हैं, तो देखिए ये 4n एज इट इज़ आ जाएगा, ब्रैकेट अभी इक्वल, -n² भी एज इट इज़ आप लिख लीजिए। अब ब्रैकेट खोलिए तो साइन अगेन चेंज, जब भी हम ब्रैकेट खोलते हैं या बंद करते हैं तो साइन का चेंज हो जाता है, क्योंकि साइन मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो अभी आप ब्रैकेट खोल रहे हो तो फिर से साइन क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो देखो ये तो प्लस है, इसके आगे का साइन देखिए, 6 के आगे क्या है, प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो -6 है, ओके। देन अगेन देखिए माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, तो क्या आ जाएगा, 5। अगेन माइनस माइनस तो क्या होगा, प्लस, तो क्या मिलेगा हमें, n², ठीक है। अब देखो कोई भी लाइक टर्म्स आपको दिख जाए प्लस माइनस में तो ये कैंसिल हो जाता है, आपको पता होगा रूल। एंड देन अगर हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये सॉल्व होगा, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है। तो देखो 6 + ये माइनस है, ये प्लस है, तो -6 - 4 कितना होगा, -2n, ओके, और ये +5 एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, nth टर्म हमें क्या मिला, an = हमें क्या मिला, दैट इज -2n + 5, क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, मैंने कोशिश की है बहुत ही सिंपल वे में आपको इस क्वेश्चन को समझाने की, ठीक है। बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या मैं कर रही हूँ, मैंने हर क्वेश्चन में बस इसी फॉर्मूला का यूज़ किया हमने लास्ट वाले में, ये आपको मैंने बताया था ना, ये एक फॉर्मूला है, एंड क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी ये गिवन है ये वाली, और हर टर्म सम निकालने के लिए हमने इसका यूज़ किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। आपको सम निकालने सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का, ठीक है। ऐसे डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं तो हमको 6 के डिविजिबल वाले नंबर को लिख लेने हैं। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 6 आर क्या हो जाएगा, 6 से जो मल्टीपल होते हैं, 6 1 6 6 2 12 6 3 18, कुछ ए पी बन गया ना। तो सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म निकालने को कहा गया था हमें, सो n/2 2a + n-1 d,
सो 40/2, 2 इंटू ए क्या हो जाएगा 6, प्लस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 40 माइनस 1, और डिफरेंस 12 माइनस 6, आपको मैंने बताया था ये पूरे 6 के मल्टीपल है तो डिफरेंस 6 ही है। तो 2 इंटू 2, 2 20 इज़ 40, 2 6 इज़ 12, प्लस 40 माइनस 1 39, और 39 इंटू 6 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 234 मिल जाएगा। देन 20 इंटू इन दोनों को प्लस कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 246 मिल जाएगा। एंड 20 इंटू 246 करोगे तो यू विल गेट 4920। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8 का हमें 15 का टर्म का सम निकालना है, ठीक है। तो आप टोटल 8 का मल्टीपल लिख लो, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, ठीक है। आगे का हमें लिखने, हमें कितने का निकालना है मल्टीपल ऑफ 8 का, 15 टर्म का, ठीक है। तो एन बाई टू, 2a प्लस n-1d, सो 15/2, 2 पहला टर्म क्या है 8, प्लस डिफरेंस 15-1, और डिफरेंस 8 का मल्टीपल है तो 8 ही डिफरेंस हो जाएगा। सो 15/2, 2 8 16, प्लस 15-1 14, 14 इंटू 8 हमें कितना मिल जाएगा, 112, ठीक है। और इन दोनों को प्लस कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 15/2 इंटू 128, और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12, 2 4 8, एंड देन मल्टीपल हो जाएगा 15 इंटू 64, 960 मिल जाएगा हमें। क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्योंकि बाकी आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, और देखो ये सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके चैप्टर से नहीं आ रहे, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, ठीक है। इसलिए हमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 14 तक ही करना है। चलो, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। आपको क्या बोला गया है, सम ऑफ द ओड नंबर निकालने, किसके बीच का, 0 एंड 50 के बीच का, क्लियर। तो हम इससे ओड नंबर कैसे, पहले हम अपना AP बना लेते हैं। 0 से 50 के बीच का अगर हम देखें ओड नंबर, तो पहला 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, एंड लास्ट 50 से पहले तक का आप देखिए तो 49 होता है। इतना तो आपको पता होगा मैथ्स के बेसिक ही ये सब चीज़, राइट। तो इससे हमें पहला टर्म मिल जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस आप निकाल लीजिए, 3-1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा डिफरेंस। nth टर्म हमारे पास गिवन है, लास्ट टर्म क्या है, क्योंकि ओड नंबर लास्ट इसका 49 ही है, तो nth टर्म भी हमारे पास गिवन है, बट हमारे पास n नहीं है ना, तो हम n पहले निकालेंगे nth वाले फॉर्मूला से। सो an इक्वल टू a प्लस n-1d। an कितना है, 49, तो 49 1 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 49-1 इक्वल टू n-1 और ये 2, तो 49-1 48, ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 2 2 2 2 2 4, 2 4 8, सो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, ये 24, ये 1 माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो के, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 25 मिल जाएगी, क्लियर है, ठीक है। n हमें क्या मिल जाएगा, 25। सो n मिल गए, अब हम क्या निकालेंगे, हमें nth टर्म का सम निकालना था, तो s25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2, 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो n की वैल्यू 25/2, 2 इंटू 1 प्लस 25-1, और डिफरेंस कितना था, 2। को कैलकुलेट करेंगे, 2 1 2 प्लस 25 1, 24 इंटू 2 आप करोगे तो कितना मिल जाएगा, 48, ठीक है। एंड देन इसको कैलकुलेट करेंगे आगे हम, 48 प्लस 2, 50 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा आपका 2 से 25 से 10, 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 होता है। तो ये यहाँ पे हमारी इस चैप्टर का द एंड होता है, ठीक है। 5.3 चैप्टर 5 यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं।
ठीक है, आई होप आपको इस चैप्टर में सब कुछ समझ आया हो, मेरी इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुआ होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल, दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टैंडर्ड पेपर। ओके, जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड पेपर चूज़ किया है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल एक्सरसाइज को करना। इसमें आपको सारी क्वेश्चंस नहीं करनी है, बस 1 एंड 2, क्योंकि बाकी जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो आप इन क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो, आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर लो अच्छे से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या आगे मैंने, विच टर्म ऑफ द AP 121, 117, 113 इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इन APs में से कौन से पहला टर्म होगा जो नेगेटिव टर्म है। समझ आ रही है ना, इन APs जो गिवन है ना, इन APs में से हमें पता करनी है कि कौन से पहले टर्म है जो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वैल्यू होगा। कौन सी वाली टर्म है जिसका वैल्यू, उस टर्म की वैल्यू नेगेटिव वाली है, कौन सा टर्म है, मतलब मान लो वो 12th टर्म है तो 12th टर्म में जो नंबर होगा ना वो नंबर नेगेटिव होना चाहिए, ये बोल रहे हैं हमें। टर्म नेगेटिव नहीं होगा, हाँ टर्म में जो नंबर है ना वो नेगेटिव होगा। मान लो 12th पोजीशन, तो 12th पोजीशन में जो नंबर मिला हमें 56 फॉर एग्जांपल, तो वो 56 माइनस 56 होगा, ये हमें बताना है। क्लियर है, तो हमें हिंट दे दिया गया है यहाँ पे कि फाइंड एन, एन निकालनी है फॉर ए एन इज लेस देन ज़ीरो होगी, क्योंकि नेगेटिव टर्म है ना इसलिए लेस देन ज़ीरो ले रहे हैं हम। ज़ीरो से नीचे क्या होता है, नेगेटिव आता है ना, तो इस इक्वेशंस के फॉर्म में करके करना है। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन में आपका गिवन था APs दैट इज़ 121, 117, 113, ठीक है, ये हमारे पास AP गिवन है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, nth टर्म निकालना है, ठीक है, जो कि हमारा पहला नेगेटिव टर्म होगा nth। इसमें हम लेट करेंगे, लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मान लेते हैं हम कि nth टर्म जो हमारा है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। ठीक है, अब इस AP से आपको पता है ना हमें क्या क्या मिल जाएगा, पहला टर्म मिल जाएगा 121, हमें डिफरेंस मिल जाएगा 117 से माइनस करेंगे 121 को, तो हमें डिफरेंस कितना मिल जाएगा, -4, लेस देन होगा 0 के। ओके, सो हम फॉर्मूला का इसी कंडीशंस को लेके हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो an इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, a प्लस n माइनस 1 d लेस देन 0। ए की वैल्यू है 121 प्लस एन हमें निकालनी है और डिफरेंस हमारे पास है -4। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो बच्चों अच्छे से कर लेना, दो ही क्वेश्चन करना है, बहुत सिंपल है, आपको सब समझ आएगा, बस ध्यान दो इधर। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं हम वही करने वाले हैं, अब इनको हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, प्लस का प्लस 4 इंटू एन -4n। ओके, देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 1 जा 4, लेस देन 0। अब हम क्या करेंगे, 121 प्लस माइनस -4n प्लस 4 लेस देन 0। तो यहाँ तक तो आपको चीज़ें समझ आ गई हमने क्या किया। ठीक है, अब आपको पता है लाइक टर्म्स कौन है, ये दोनों है नंबर नंबर, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। 121 में प्लस 4 करेंगे तो हमें 125 मिल जाएगा, -4n लेस देन 0, हमें ये मिल गया ना। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, आप इसको उधर भेजो, ठीक है, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा कुछ ऐसा होगा, देखो -4n। ठीक है, अब देखो आप जब इसको उधर भेजोगे ना, बात ध्यान रखना, आप जब इसको उधर भेजोगे ना तो ये तो माइनस हो जाएगा, बस ध्यान क्या करना है हमें, चेंज क्या करना है, इसको ये जो ग्रेटर देन, ये जो हमने साइन यूज़ किया था ना इधर के लिए क्या था, ग्रेटर देन था 0, बट अब ये इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, उल्टा कर दो, ये अब ग्रेटर देन हो जाएगा इससे, क्योंकि हमने इसको वहाँ भेज दिया इसलिए। तो n इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एज यूजल हमें करेंगे जैसे हम करते हैं, ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, देन हम इसको डिवाइड करेंगे तो 125 4 4 3 ज़ा 12, 5 नीचे आएगा, 4 1 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1 0, 4 डेसिमल लग जाएगा, 4 2 ज़ा 8 इज़ 2,
ज़ीरो, फोर फाइव ज़ा 20। तो हमें क्या मिल गया, हमें आंसर मिला n इज ग्रेटर देन 31.25। ठीक है, तो देखो हमें पता है n की वैल्यू तो डेसिमल फॉर्म में नहीं हो सकती है, ऐसे वाले टर्म तो हम नहीं बता सकते ना 31.2 डेसिमल वाले, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 25 है ना, 31.25, तो हम इससे छोटा तो नहीं ले सकते, हम इससे बड़ा एक ले लेंगे। इंटीजर्स हमें बनाना है ना, आपको पता है ना n की पोजीशन हमेशा कोई इंटीजर्स होता है, ऐसे डेसिमल में नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे 31.25 को एक बढ़ा देंगे, तो ये n की क्या वैल्यू आ जाएगी, 32 आ जाएगी। ठीक है, हम आंसर तो आपका यही होगा हाँ, बट क्योंकि ये आपका डेसिमल में है तो n की वैल्यू इंटीजर्स होती है, डेसिमल में नहीं होती, तो हम इसको एक बड़ा करेंगे, 31.25 से बढ़ा देंगे तो ये 32 हो जाएगा। तो आप इसमें क्या लिख दोगे, देयरफॉर 32 टर्म इज द आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ आया होगा क्या मैंने बताया, इसको ध्यान से कर लीजिएगा, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड द प्रोडक्ट इज 8। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि सम है थर्ड एंड सेवन्थ टर्म का, एपीज का थर्ड एंड सेवन्थ टर्म का सम कितना है, 6 होता है, एंड उन्हीं दोनों टर्म का प्रोडक्ट कितना है, 8 है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी, हमें फर्स्ट 16 टर्म निकालने हैं उस एपी का। तो देखो ना तो हमें ए दी गई है, ना तो हमें डिफरेंस दी गई है, हमें कुछ नहीं दिया गया है एपी के बारे में, बस हमें इतना बता दिया है कि थर्ड एंड सेवन्थ टर्म में जो भी वैल्यूज़ है उनके सम करके रिजल्ट हमें 6 मिलता है, और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करके हमें 8 मिलता है। तो हमें बता देनी है कि, तो हमें निकालनी है कि फर्स्ट 16 टर्म एपी की क्या है। सो ऑफकोर्स आपको समझ आ गया होगा, इक्वेशन से यहाँ बन जाएगा हमारा, दो कंडीशन गिवन है, हमें फर्स्ट टर्म भी निकालनी है, हमें डिफरेंस भी निकालनी है, तब जाके हम एपीज निकाल सकते हैं। नंबर टू, सो सबसे पहले हम कंडीशन जो गिवन था हमारे पास वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन था थर्ड टर्म प्लस सेवन्थ टर्म का सम गिवन था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं ना, कंडीशन यही था, इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इससे इक्वेशंस बना लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट कंडीशन, दैट इज इससे क्या मिलेगा, ए थ्री इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस 2 माइनस 1 क्या होता है, जैसे हम करते हैं ना nth टर्म a प्लस n माइनस 1 डी, वही कर रहे हैं हम इसके लिए हाँ। तो a प्लस 3 माइनस 1 2 डी प्लस a प्लस 7 माइनस 1 6 डी, राइट, इक्वल टू 6 का 6 आ जाएगा। अब देखो a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a, 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 8d इक्वल टू, अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखो इनमें कॉमन आ रहा है ना, इन सब में 2 कॉमन जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2 4 8 2 3 6, ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या था हमारा, सेकंड कंडीशन था प्रोडक्ट था ना इनका, तो a3 इंटू a7 कितना था इनका प्रोडक्ट, 8, ये भी हमारे पास गिवन था। ओके, तो प्रॉपरली हम वैसे ही करेंगे, a3 का कंडीशन यही आ जाएगा, a प्लस 2d इंटू 7 के लिए a प्लस 6d इक्वल टू 8। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इस वाली इक्वेशन से a की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, a प्लस 4d इक्वल टू 3 था ना, अगर हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, इससे a निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 3 माइनस, ये 4d प्लस उधर जाएगा तो माइनस 4d हो जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इस वैल्यू में, तो इक्वेशन टू में हम इसको पुट करेंगे ए की प्लेस में, हाँ ए की प्लेस में क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू। तो देखो इस वाली वैल्यू में ए क्या है हमारा, 3 माइनस 4d, ओके प्लस 2d, इंटू का इंटू रहेगा, ए की प्लेस में वही डाल देंगे हम, 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल टू 8। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, प्लस माइनस माइनस 3, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2d। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी वही करेंगे हम, 3 प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 4 प्लस 2d
फॉर्मूला हमारा बन रहा है ना, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, सेंस यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम इस फॉर्मूला को यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो थ्री थ्री ज़ा नाइन माइनस टू टू ज़ा फोर डी स्क्वायर इक्वल टू एट। तो ये माइनस ये प्लस नाइन उधर जाएगा तो माइनस फोर डी स्क्वायर इक्वल टू एट, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, ठीक है, माइनस फोर डी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस, माइनस नाइन माइनस एट माइनस वन, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो डी स्क्वायर इक्वल टू वन बाई फोर है ये, अब ये स्क्वायर है, डी का स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लगता है, रूट लग जाता है ना, आपको पता होगा ये रूल, तो वन बाई फोर और इसके आगे हम प्लस माइनस डाल देते हैं, ठीक है। देखो ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, स्क्वायर था उधर गया तो रूट लग गया, अब प्लस माइनस लगता है पता है आपको, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन का स्क्वायर वन ही होता है और फोर किसका स्क्वायर है, टू होता है, तो हमें क्या मिल गई, डी डी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई टू। तो हमें दो कंडीशन मिले हैं, तो हम डी का जो केस हम एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, ठीक है, एंड देन हम ए निकालेंगे दो कंडीशन लेके। तो इफ़ डी की वैल्यू पहले हम प्लस वाला ले लेते हैं, प्लस हाफ होगा तब हमारा ए क्या होगा, ये वाली पकड़ी थी ना, इसको आप इक्वेशन वन नाम दे दो, ठीक है। इस इक्वेशन में हम डालेंगे अभी जो हमारे डी मिला, ठीक है, इक्वेशन वन। तो ए इज इक्वल टू थ्री माइनस फोर डी, सो ए इज इक्वल टू थ्री माइनस फोर इंटू डी हाफ ले रहे हैं, तो टू वन जे टू, टू टू ज़ा फोर, थ्री माइनस टू वन। तो फर्स्ट केस में हमें फर्स्ट टर्म क्या मिला, वन मिल गया, ठीक है। अब देखें केस में हम डी की वैल्यू क्या ले लेंगे, इफ डी इज इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है। तो अभी भी हम अगेन हम इसको इक्वेशन वन में पुट करेंगे, सो ए इक्वल टू थ्री माइनस फोर डी, सो ए इक्वल टू थ्री माइनस फोर इंटू माइनस वन बाई टू, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, थ्री माइनस माइनस प्लस टू वन ज़ा टू, ठीक है। तो थ्री प्लस टू फाइव, सो ए हमें दूसरा क्या कंडीशन मिला, ए इक्वल टू फाइव मिल गया। अब देखो हमें क्वेश्चन में 16 टर्म निकालने बोला था, है कि नहीं, तो क्योंकि हमारे पास दो डिफरेंस हमने लिया, एक केस में हमने प्लस पकड़ा, एक केस में हमने माइनस पकड़ा, तो हमें दो फर्स्ट टर्म मिले, एक केस में वन मिला, एक केस में पहला टर्म फाइव मिला, तो दोनों के केस में अलग अलग करके हमें एस 16 टर्म निकालने होंगे, ठीक है। नाउ एस 16 इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। तो अभी के केस के लिए हम डी क्या ले लेंगे, डी इसके लिए प्लस हाफ हो जाएगा और आपका ए वन हो जाएगा, तो इसमें डालिए क्या होगा, एस 16, सो ए 16 इक्वल टू 16 बाई टू टू इंटू वन प्लस 16 माइनस वन, डिफरेंस कितना है, वन बाई टू, सो टू इज द 16, टू प्लस 16 माइनस वन 15, 15 वन ज 15 बाई टू, ठीक है। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे अंदर, वन टू ज़ा टू इंटू टू प्लस टू वन ज़ा टू इंटू 15, ठीक है। तो देखो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, टू टू ज़ा फोर, फोर प्लस 15 19, तो 19 बाई टू आ जाएगा, टू वन ज़ा टू, टू फोर ज़ा एट, सो फोर इंटू 19 96। तो हमारे फर्स्ट केस में सम ऑफ 16 टर्म कितना मिला, 76, कब, जब हमारा डिफरेंस हाफ होगा और फर्स्ट टर्म क्या होगा, वन होगा, ठीक है। अब दो कंडीशन थे ना, तो अब सेकेंड केस में देखो सम 16 कैसे निकालेंगे, हम डी ले लेते हैं माइनस हाफ और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा 5, तब हमें कितना मिलता है एस 16, देखिए 16 बाई टू, टू इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 5 प्लस 16 माइनस वन इंटू डिफरेंस माइनस हाफ, तो टू वन जे टू, टू एट जे 16 8, ठीक है, टू फाइव ज़ा 10 प्लस 16 माइनस वन 15, 15 वन ज़ा 15 माइनस 15 बाई
टू, ये ब्रैकेट में रखते हैं, हम साइन को खोल देंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में। एट टेन प्लस माइनस माइनस, ठीक है, बाई टू। एलसीएम ले लीजिए इसका, एट इंटू टू, वन टू ज़ा टू इंटू टेन प्लस माइनस टू, वन ज़ा टू इंटू फिफ्टीन, तो ये हमें मिल जाएगा एट इंटू ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन बाई टू। तो ये आपको मिलेगा एट इंटू ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन फाइव बाई टू, टू टू फोर ज़ा एट, फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी। ठीक है, सो ये रहा आपका ऑप्शनल क्वेश्चन नंबर वन एंड टू, जो कि मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड में समझा। आप क्वेश्चन को समझिए, इसको एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, स्टेप आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके ये चैप्टर फाइव ख़त्म होते हैं। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर न्यू कॉन्सेप्ट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।